नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का स्ट्रीट जीरो चैनल पर स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आपकी प्रिपरेशन में मदद करने के लिए मैं लेकर आया हूं एक ऑसम लेक्चर टूर टू मध्य प्रदेश की लेक्चर सीरीज में। दोस्तों इस लेक्चर सीरीज में हम MP के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहे हैं डिवीजन वाइज। हर एक लेक्चर में हम एक पर्टिकुलर डिवीजन देखते हैं। इस सीरीज में इससे पहले मैं दो डिवीजन कवर कर चुका हूं। एक हमारा उज्जैन डिवीजन था जिसको हमने कवर कर लिया है और उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था नर्मदापुरम डिवीजन को। आज दोस्तों हम बात करेंगे शहडोल डिवीजन की और जो शहडोल डिवीजन में जो डिस्ट्रिक्ट आती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये इस सीरीज का फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले मैं इस सीरीज में तीन लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। जिन दोस्तों को नहीं पता मैं उनको बता दूं इन लेक्चर या इस लेक्चर सीरीज की खास बात, यहां पे हम डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको याद कर रहे हैं इनोवेटिव आइडिया की मदद से। जैसे कि मैं यहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट याद करवा रहा हूं माइंड मैप्स की मदद से, ताकि जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको एक पेज में एक स्लाइड पे ही सब कुछ आपको याद हो जाए, जिसमें आप अपनी तरफ से कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं यहां पे आपको उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में याद करवा रहा हूं मैप्स की मदद से, मतलब वहां पे जो भी अच्छी डेस्टिनेशंस हैं या लोकेशंस हैं, रिवर है या फिर हाईवेज हैं, तो वो आपको उसके मदद मैप की मदद से याद हो जाएगा। और तीसरी चीज यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं पिक्चर्स का, क्योंकि पिक्चर क्या होता है, पिक्चर की जो मेमोरी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है और ईजी होती है, तो हम जो भी फैक्ट है उनको पिक्चर्स की मदद से याद कर रहे हैं। सो दिस इज द थिंग विच वी आर अडॉप्टिंग इन दिस सीरीज। दोस्तों तो चलिए इसी बैकग्राउंड के साथ इस लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो लेक्चर सीरीज है और ये जो लेक्चर्स हैं वो स्पेशली MPPSC के एस्पायरेंट की प्रिपरेशन नीड को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है, और ये जो लेक्चर्स हैं वो आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में बहुत मदद करेंगे। उसके अलावा कोई भी ऐसा व्यूअर जो MP गवर्नमेंट का कोई और एग्जाम दे रहा है, कोई और एग्जाम से मतलब है मेरा पटवारी का एग्जाम हो गया या फिर वो संविदा शिक्षक के एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर रहा है, टीचर एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहा है, तो वो भी इन लेक्चर्स को देख सकते हैं, या फिर कोई मध्य प्रदेश के बारे में नॉलेज इंक्रीज करना चाहता है वो भी इन वीडियोज को देख सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोज को सिंसियरली देखें और क्या कहते हैं अपने अच्छे से मतलब ध्यान के साथ इन लेक्चर्स को देखें। इन्हीं लेक्चर को अगर आप दो तीन बार देख लेते हैं तो आपकी पूरी जो नॉलेज है वो पूरी हो जाएगी। दोस्तों यहां पर आप देख रहे हो MPPSC प्रीलिम्स GS1 का सिलेबस। वैसे तो ऑलरेडी आप लोग इससे अवगत होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता वो इस वीडियो को यहां पे एक मिनट के लिए पॉज कीजिए और गो थ्रू कीजिए सिलेबस में क्या क्या चीजें पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका प्रीलिम्स GS1 का सिलेबस है, सो जस्ट प्लीज गो थ्रू इट। दोस्तों इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूं टू ऑल दोस एस्पायरेंट जो लोग आगे आए और जिन्होंने इस इनिशिएटिव और चैनल को सपोर्ट किया, मैं उनको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने जो स्ट्रीट जीरो का क्लासरूम प्रोग्राम है उसमें मैंने 33 टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट पेपर अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग प्लीज और प्लीज इन मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, पुराने साल के पेपरों की एनालिसिस करते रहिए, ये आपको एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के तौर पे उभारेगा। उसके अलावा कुछ लोगों को बार बार प्राइवेट वीडियोस को देखने ना देख पाने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो जो भी जानना चाहते हैं मैं उनको बताना चाहता हूं प्राइवेट वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं आफ्टर पेइंग अ नॉमिनल फी, विच इज वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट अगर आप हमारे एफर्ट्स को देख रहे हो तो। सो प्लीज आप ये फी पे करिए और फिर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। और प्लीज अब आपका बहुत बहुमूल्य समय बचा हुआ है तो आप रिवीजन करते रहिए, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उन सारी चीजों का प्लीज एंड प्लीज डू दी रिवीजन। तो चलिए दोस्तों इस बैकग्राउंड के साथ इस लेक्चर को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के डिवीजन। आपको पता है मध्य प्रदेश में कितने डिवीजन या संभाग हैं, टोटल इन MP देयर आर 10 डिवीजन्स, जिनके आप नाम यहां पे और फोटो में देख सकते हैं उनकी लोकेशंस। सो फार इन दिस सीरीज वी हैव कवर्ड उज्जैन डिवीजन एज वेल एज नर्मदापुरम डिवीजन। नाउ वी आर गोइंग टू कवर अबाउट दी शहडोल डिवीजन या शहडोल संभाग के बारे में। अगर हम देखें शहडोल संभाग में टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उनके नाम है शहडोल। शहडोल मतलब अपने आप में एक डिवीजन भी है और एक डिस्ट्रिक्ट भी है, उसके अलावा उमरिया और तीसरा है आपका अनूपपुर। कुछ समय से पहले मतलब कुछ टाइम पहले तक तो यहां पे क्या कहते हैं इन तीन के अलावा एक डिंडोरी नाम की डिस्ट्रिक्ट है वो भी शहडोल में ही आती थी, लेकिन बाद में डिंडोरी को शहडोल डिवीजन से बाहर निकाल दिया गया और जबलपुर डिवीजन में ऐड कर दिया गया। सो अब शहडोल में कितने डिवीजन बचे हैं, तीन डिस्ट्रिक्ट बचे हैं शहडोल डिवीजन में। इज दैट क्लियर?
यहां पे आप इस इधर देख रहे हो मैप शेडोल डिवीजन का। शेडोल डिवीजन या शेडोल संभाग में उमरिया, ये उमरिया की लोकेशन है, ये शेडोल की लोकेशन है और ये नीचे अनूपपुर रहा। अगर आप डिंडोरी की बात करें तो डिंडोरी पहले आता था, अब नहीं आता है, तो इसीलिए आप इसको ऐसे याद रखना, मैंने मैप में इसको आधा लिया है, मतलब पहले आता था अब नहीं आता है, ठीक है। चलो भाई, पहले सबसे पहले तो शेड्यूल डिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। शेड्यूल डिवीजन को फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया था 14 जून 2008 में, 14 जून 2008 में इसको फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया था। ये रही शेड्यूल डिवीजन की लोकेशन जो डार्क ग्रीन कलर से दिख रही है आपको। पहले डिंडोरी को शेड्यूल डिवीजन का पार्ट माना जाता था, लेकिन एट प्रेजेंट डिंडोरी जो है वो जबलपुर डिवीजन में आता है। अगर आज की बात करें हम तो शेड्यूल में तीन डिस्ट्रिक्ट आते हैं, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट खुद एक डिस्ट्रिक्ट है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर हो गया इतना, चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब शेड्यूल डिवीजन में हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट की, तो ये रही आपके शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन। इज दैट क्लियर। अगर हम एरिया की बात करें या पॉपुलेशन की बात करें तो देखिए इन फिगर के ऊपर ज्यादा आप अपना दिमाग मत लगाना, क्योंकि ये जो डेटा है मैंने तीन चार सोर्सेस से लिया है, तो कहीं पे डेटा 2001 के सेंसस के हिसाब से, कहीं पे डेटा 2011 के सेंसस के हिसाब से, और जब जो अगर आप इनकी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाएंगे इन डिस्ट्रिक्ट की, तो वहां पे डेटा है 2015-16 तक का अपडेटेड। तो इसीलिए ये डेटा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से एक आइडिया लगाने के लिए हेल्पफुल रहेगा कि यहां का जो एरिया है वो 6000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास और पॉपुलेशन 9 लाख के आसपास है। अगर हम इसकी लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें, जिसके ऊपर क्वेश्चन 2018 में आया था, तो आप इसके अगर लेटिट्यूड को देख रहे हो, लेटिट्यूड्स क्या होते हैं, जो हमारे ग्लोब के ऊपर, हमारे पृथ्वी के ऊपर जो जो क्या कहते हैं, वर्चुअल या फिर आप कह लीजिए इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, उनको हम लोग बोलते हैं लेटिट्यूड। जैसे जीरो लेटिट्यूड होता है इक्वेटर, फिर उसके बाद 23.5 वाला होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो शेड्यूल है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास आता है। और लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड होती है वर्टिकल इमेजिनरी लाइन ऑन आर ग्लोब, तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये पड़ता है करीब करीब 82 डिग्री के आसपास, 82 डिग्री ईस्ट के आसपास। तो बस आप इतना ही अंदाजा लगा के रखना। जैसे यहां पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका लेटिट्यूड होता है वो कुछ 23-24 के आसपास होता है उज्जैन के केस में, उज्जैन संभाग के केस में, और क्या कहते हैं आपका लॉन्गिट्यूड जो होता है वो 75 के आसपास होता है। सिमिलरली नर्मदापुरम के केस में बताया था मैंने, तो इसी तरीके से आप याद रखेंगे। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें, विद दी हेडक्वार्टर जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर शेड्यूल्ड टाउन में ही है, और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये जो जो शेड्यूल हेडक्वार्टर है वो डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी के लिए एकदम बैकबोन है। वहां पे कोल माइंस और बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। अगर हम बात करें शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट की, तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है बिराटेश्वर टेम्पल। क्या है टेम्पल का नाम? बिराटेश्वर। तो भाई ये तो हम लोगों ने एक जल्दी से कर ली किस चीज की बात, एक बेसिक आइडिया ले लिया इस शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब यही सारी बात हम मैप की मदद से समझते हैं। देखिए पॉपुलेशन और एरिया मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 10 लाख, और एरिया है 6000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। डेंसिटी, लिटरेसी और सेक्स रेशियोज आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार देख सकते हैं, नजर लगा सकते हैं अपनी। अगर हम बात करें शेड्यूल में कितने तहसील आते हैं, तो टोटल 4 तहसील आते हैं। एक है सोहागपुर, दूसरा है ब्योहरी, तीसरा है जयसिंह नगर और चौथा है जातिपुर। ये देखिए ये रहा आपका जयसिंह नगर, दूसरा ब्योहरी, तीसरा आपका सोहागपुर, ये रहा आपका सोहागपुर और चौथा है आपका जाति जतिपुर, ठीक है, जट्टीपुर। तो ये आपके 4 हो गए तहसील। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस की। तो ये देखिए आपका जो शेड्यूल है, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आप देख रहे हो, ये देखो सोन नदी जा रही है, और अगर यहां पे देखें आप तो ये बनास नदी जा रही है। कौन सी? बनास नदी। तो यानी इन दोनों, ये जो दो नदियां हैं वो इसका बॉर्डर बनाती हैं, सोन और बनास नदी। अगर हम बॉर्डर की बात करें तो छत्तीसगढ़ को शेड्यूल टच करता है शेड्यूल, और इसके नीचे अगर हम लोग बात करें तो ये इसके नीचे यहाँ पे अनूपपुर है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि आपके शेड्यूल डिवीजन में आती है। डिंडोरी जो पहले आता था अब नहीं आता है, डिंडोरी, डिंडोरी अब जबलपुर डिवीजन में आता है। अगर हम बात करें कौन सा नेशनल हाईवे निकलता है, तो नेशनल हाईवे 78, नेशनल हाईवे 78 जो है वो हमारे शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट का में से निकलता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। नदियां मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हाईवे बता चुका हूं, बॉर्डर्स बता चुका हूं। तो जो काम की बात याद रखने वाली है कि ये छत्तीसगढ़ को टच करता है, छत्तीसगढ़ को टच करता है। नदियां भी आपको मैंने बता दी। अब आगे चलते हैं। ये है शेड्यूल का माइंड मैप। क्या क्या देखिए, ये पॉलिटिकल फैक्ट हैं,
हिस्ट्री के फैक्ट, ज्योग्राफी के फैक्ट और इकोनॉमी के फैक्ट। पॉलिटी के फैक्ट में तो इंपॉर्टेंट बात यह याद रखनी है कि पहली ट्रांसजेंडर एमएलए सबनम मौसी जो है वो सोहागपुर से ही इलेक्ट हुई थी। ठीक है, मतलब जो ट्रांसजेंडर, क्या आपको पता होगा ट्रांसजेंडर क्या होती हैं, तो विधानसभा में जो एमपी की विधानसभा है उसमें पहली ट्रांसजेंडर सबनम मौसी सोहागपुर से ही इलेक्ट हुई थी। सोहागपुर आपके शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में आता है। हिस्ट्री की अगर बात करें तो यहाँ पे एंशियंट बूढ़ी देवी माता मंदिर है जो कि शेड्यूल में पड़ता है, एंशियंट बूढ़ी देवी माता मंदिर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मेला लगता है कंकाली देवी टेम्पल में और फेमस नवरात्रि मेला। तो दो मेला बहुत ज्यादा फेमस है, एक कंकाली देवी का, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा नवरात्रि मेला। तीसरा हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि यहाँ पे बुटेश्वर टेम्पल है। बुटेश्वर टेम्पल, बुटेश्वर टेम्पल हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बुटेश्वर टेम्पल को किसने बनवाया था? कालचुरी के किंग थे जिनका नाम था युवराज देव, उन्होंने बनवाया था। तो दो चीजें याद रखना, बुटेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में है। किसने बनवाया था? कालचुरी किंग ने बनवाया था। उस किंग का नाम क्या है? युवराज देव। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं ज्योग्राफी के फैक्ट की बात करते हैं। तो देखिए, ज्योग्राफिकली यहां पे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में लार्जेस्ट कोल माइन है एशिया की, और वो कहां पे है? सोहागपुर में। शेड्यूल के अंदर सोहागपुर वाली जो तहसील है उसके अंतर्गत लार्जेस्ट कोल माइन आती है एशिया की। उसके अलावा ओनली यूरेनियम मिनरल डिस्ट्रिक्ट है कौन सी? शेड्यूल। शेड्यूल क्या है? एक इकलौती ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहां पे यूरेनियम पाया जाता है। उसके अलावा यहां पे दूरदर्शन का हेडक्वार्टर, आकाशवाणी का हेडक्वार्टर और डीटी सेंटर है यहां पे। उसके अलावा बाणसागर प्रोजेक्ट जो कि सोन नदी के ऊपर बना हुआ है वो भी आपका शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो दो चीजें, बाणसागर प्रोजेक्ट कहां पे है? शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में है। बाणसागर प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर है? सोन नदी के ऊपर है। उसके अलावा सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, सोन घड़ियाल सेंचुरी जो है वो कहां पे है? शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। उसके अलावा यहाँ पे चार तहसील हैं, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एरिया और पॉपुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक अंदाजा लगा के रखो 10 लाख और 6,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब बात करते हैं इकोनॉमी के फैक्ट की। ओरिएंट पेपर मिल इन अमलाई, अमलाई एक शेड्यूल में जगह है, वहां पे ओरिएंट पेपर मिल है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। रिलायंस जो एक प्राइवेट ग्रुप है उन्होंने मीथेन गैस का प्लांट लगा रखा है कहां पे? शेड्यूल में, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट जो है वो भी कहां पे है? शेड्यूल में। वैसे जो अमरकंटक एज अ लोकेशन कहां पे है? अनूपपुर में है, लेकिन इसका जो थर्मल पावर प्लांट, अमरकंटक के नाम से जो थर्मल पावर प्लांट है वो कहां पे? आपका शेड्यूल में। तो ये सारे फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ओरिएंट पेपर मिल, रिलायंस ग्रुप, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट, और अच्छा जो ये आपका शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है इसको कोल माइन डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। कोल माइन डिस्ट्रिक्ट से कौन सी डिस्ट्रिक्ट जानी जाती है? तो याद रखना शेड्यूल। पहली ट्रांसजेंडर सबनम मौसी कहां से थी? शेड्यूल से, और वो भी सोहागपुर से इलेक्ट हुई थी। एंशियंट बूढ़ी माता का मंदिर कहां पे है? शेड्यूल में। कंकाली देवी का मेला कहां पे लगता है? शेड्यूल में। बटेश्वर टेम्पल जो है, भूतेश्वर टेम्पल, वो कहां पे है? शेडोल में। यूरेनियम, ओनली यूरेनियम मिनरल डिस्ट्रिक्ट, शेडोल। लार्जेस्ट कोल माइन ऑफ एशिया, शेडोल। बाणसागर प्रोजेक्ट, शेडोल। सोन घड़ियाल फैक्ट्री, शेडोल। आपको मैंने बताया था सोन नदी निकल रही थी और आपकी बनास नदी निकल रही थी, तो इसीलिए सोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपकी शेडोल में है। जो भी मैंने सारे फैक्ट बताए, अब उसके बाद हम कौन से फैक्ट की बात करें? ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट जो है उसका वेबसाइट है, वहां से मैंने डेटा लिया हुआ है। सो लेट्स विजिट व्हाट इज देयर गिवन। डिस्ट्रिक्ट है शेड्यूल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है शेड्यूल, पॉपुलेशन और ग्रोथ और सेक्स रेशियो, लिटरेसी, एरिया, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। डेंसिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। तहसील चार तहसील, ब्योहरी, जयसिंह नगर, सोहागपुर और जैतपुर। उसके अलावा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब एमपी की जो होता है वो कहां से सिलेक्ट होता है? तो यहां पे एमपी की एक सीट है वो है शेड्यूल, शेड्यूल से एक एमपी जाता है। ठीक है, शेड्यूल से एक एमपी जाता है। उसके अलावा एमएलए की सीट अगर देखी जाए तो ब्योहरी, जयसिंह नगर और जैतपुर, ये तीन जो है वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, और ये तीनों की तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड हैं, ब्योहरी, जयसिंह नगर और जयपुर। ठीक है, उसके अलावा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है शेड्यूल में? तो बघेली और हिंदी बोली जाती है। कौन सी? बघेली और हिंदी। अगर हम रिवर्स की बात करते हैं तो यहां पे रिवर है सोन, कुनक और बानस। सोन आप यहां पे देख ही रहे हैं, बानस यहां पे रही, और एक और नदी का नाम है कुनक। प्रॉबली इससे याद कर लो, ये जो नदी जा रही है ना इसका नाम क्या हो जाएगा? KUNUK, कनक। ठीक है, तो ये नदियां हो गई। इंपॉर्टेंट ट्रेवल डेस्टिनेशन की बात करें तो बिराटेश्वर टेम्पल और बाणसागर डैम है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर हम लोग बात करें तो सबसे देखिए, एक तो गवर्नमेंट पंडित,
राम किशोर शुक्ला स्मृति गवर्नमेंट आर्ट एंड कॉलेज कहाँ पे है? ये आपका शेड्यूल में है। उसके अलावा गवर्नमेंट अभयनंद संस्कृत कॉलेज, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। उसके अलावा इंदिरा गांधी होम साइंस गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन कॉलेजेस के नाम बिल्कुल अच्छे से याद रखना। और हाँ, एक और स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, दैट इज शंभुनाथ शुक्ला गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। तो ये चार कॉलेजेस के नाम याद रख लेना। क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से हमारा ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट हो गया मैप के हिसाब से। अब हम बात करेंगे शेड्यूल की किसके हिसाब से, अब हम बात करेंगे पिक्चर की मदद से। तो जैसा कि मैंने बताया, लार्जेस्ट कोल माइन एशिया की शेड्यूल में है और शेड्यूल के सोहागपुर तहसील में आती है। उसके अलावा बांध सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो कि सोन नदी के ऊपर बना हुआ है, वो भी शेड्यूल के अंदर ही है। उसके अलावा सोन घड़ियाल सेंचुरी जो कि सोन नदी पे है, ये भी शेड्यूल में है और ये सीधी सीधी और क्या कहते हैं शेड्यूल के बॉर्डर पे है। देखो अगर मैप आप देखते हो ना, तो ये रहा सीधी और ये रहा शेड्यूल, तो इनके बॉर्डर पे यानी ये सेंचुरी यहां कहीं पे आती है। इज दैट क्लियर? उसके अलावा ओरिएंट पेपर मिल जो अमलाई में है, वो भी शेड्यूल में ही है। ठीक है, तो ये चार फैक्ट तो बहुत अच्छे से याद रख लेना, इनको मत भूलना। उसके अलावा विराट मंदिर या विराटेश्वर मंदिर भी शेड्यूल में है। विराटेश्वर मंदिर इट इज इन शेड्यूल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। बाकी ये डेस्टिनेशंस के फोटो मैंने ऐसे ही चिपका दिए थे, तो यू कैन जस्ट सी देम। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट समाप्त होता है। अब आते हैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करते हैं। ये देखो अभी हमने क्या कवर किया था, शेड्यूल, ये रहा आपका अनूपपुर। तो अनूपपुर के बारे में क्या क्या कहा कहते हैं चलो देखते हैं। अनूपपुर की पॉपुलेशन 7 लाख के, 7.5 लाख के आसपास है और एरिया 3700 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। डेंसिटी, लिटरेसी और सेक्स रेशियो, ऑल दीज थ्री फिगर्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, 5 फिगर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। चार तहसील आती है अनूपपुर के अंदर, एक अनूपपुर, जेठहरी, कोटमा और पुष्पराजगढ़। पुष्पराजगढ़, तो इनकी अगर हम लोकेशन देखते हैं तो ये देखिए अनूपपुर तो ये रहा आपका, फिर उसके अलावा कोटमा ये रहा आपका, कोटमा, पुष्पराजगढ़ ये रहा आपका पुष्पराजगढ़, और चौथा जो है दैट इज जेठहरी। ठीक है, अगर हम मैप में अगर और ध्यान दें तो नेशनल हाईवे 78 जो कि शेड्यूल से भी निकलता है, वो यहां से भी निकलता है नेशनल हाईवे। अगर हम नदियों की बात करें तो मैप में कोई भी नदी का नाम या जिक्र नहीं है। इज दैट क्लियर? और भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं दी हुई हैं। बाकी आप देखेंगे यहां पे तो ये देखिए ये आपका रहा शेड्यूल। ठीक है, ऊपर रही डिंडोरी और यहां पे उमरिया और यहां पे छत्तीसगढ़। तो इससे हमें क्या याद हो जाएगा कि जो अनूपपुर है वो छत्तीसगढ़ को टच करता है, शेड्यूल भी हमारा छत्तीसगढ़ को टच करता है। उसके अलावा अनूपपुर में जो एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन आपको याद रखनी है, दैट इज अमरकंटक, और ये रहा अमरकंटक जो कि अनूपपुर में है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, ये रहा अनूपपुर का माइंड मैप। चलो बात करते हैं कौन कौन से फैक्ट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री। तो अनूपपुर की हिस्ट्री क्या कहती है, महेंद्रनाथ और पातालेश्वर टेम्पल, महेंद्रनाथ एंड पातालेश्वर टेम्पल जो है जो कि कालचुरी के द्वारा बनवाया गया था, वो कहां पे है, अनूपपुर में। महेंद्रनाथ और पातालेश्वर टेम्पल जो है वो कालचुरी ने बनवाया था और ये अनूपपुर में आता है। जैन रिलीजन के यहां महाकुंभ जो होता है वो अमरकंटक में ऑर्गेनाइज होता है। जैन रिलीजन का जो महाकुंभ ऑर्गेनाइज होता है वो अमरकंटक में ही ऑर्गेनाइज होता है। नर्मदा टेम्पल जो कि नागपुर के भोसले किंग्स ने बनवाया था, वो भी आपका अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। नर्मदा टेम्पल बिल्ट बाय नागपुर भोसले किंग्स, वो भी आपका किस में आता है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब हम बात करते हैं कुछ पॉलिटी के फैक्ट की। तो इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कि एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, वो अमरकंटक में है और ये 2008 में बनवाई गई थी। इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कि अमरकंटक में है, 2008 में बनवाई गई थी और ये अनूपपुर में ही है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी के फैक्ट की। तो देखिए ये जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है वो मिनरल वाइज काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं जैसे कोल, बॉक्साइट, ये अमरकंटक में मिलते हैं। फायर क्ले ये पुष्पराजगढ़ में मिलता है। कोटमा, कोटमा जो एक तहसील है वो फेमस है कोल माइंस के लिए। बैनकट नगर जो है वो फेमस है बीड़ी उद्योग के लिए, जो बीड़ी होती है ना, बीड़ी, बीड़ी सिगरेट वाली, तो वो बैनकट नगर एरिया में बीड़ी उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है। चाचई थर्मल पावर स्टेशन ये भी यहां पे ही इस्टेब्लिश किया गया है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। चचई थर्मल पावर स्टेशन इट इज इन अनूपपुर।
अब बात करते हैं कुछ ज्योग्राफिकल फैक्ट्स के बारे में। तो ज्योग्राफिकल फैक्ट में अगर हम चलें तो वाटरफॉल की अगर बात करें तो दो वाटरफॉल हैं, एक है कपिलधारा और दूसरा है दुग्धधारा। कपिलधारा, दुग्धधारा, थोड़ी सी परेशानी आपको देता हूं। चलिए बताइए एमपी का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, एमपी का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है और इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है। इन वाटरफॉल के नाम बताने के साथ साथ आप ये भी बताएंगे ये वाटरफॉल किस नदी पे हैं, ये वाटरफॉल किस नदी पे हैं और इनकी हाइट क्या है। ठीक है, तो यहां पे अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में दो वाटरफॉल हैं जो काफी फेमस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कपिलधारा और दुग्धधारा। अगर हम बात करें टूरिस्ट प्लेस की तो ब्रह्म ऋषि की केव्स है यहां पे, ब्रह्म ऋषि की, आदिनाथ का मंदिर है, जलेश्वर महादेव का मंदिर है, कबीर चौरा है और उसके अलावा नवगढ़ मंदिर है, सोन मुडा है, माई का हाथी और माई की बगिया, ये सारी लोकेशंस। तो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रह्म ऋषि का की केव, आदिनाथ का मंदिर, जलेश्वर महादेव मंदिर, ये तो तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके अलावा वाटरफॉल, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ज्योग्राफी में और अगर कुछ फैक्ट की बात की जाए, जो अनूपपुर में अमरकंटक जगह है वहां से तीन नदियां ओरिजिनेट होती हैं, एक नर्मदा, दूसरी सोन और तीसरी जोहिला। ये तीन नदियां ओरिजिनेट होती हैं कहां से, अमरकंटक से। चार तहसील हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इन तीन नदियों के नाम जरूर याद रखना। अब यहां पे ये तीन नदियां दी हैं तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, वो भी जवाब देना। आपको ये बताना है इंडिया की कौन सी ऐसी नदियां हैं जो बेस्ट फ्लोइंग है, जो बेस्ट मतलब जो बेस्ट की तरफ बहती हैं। अगर आपके ये कार्डिनल डायरेक्शन है तो वेस्ट के डायरेक्शन में कौन सी नदी बहती हैं, ये बताना आप। एरिया और पॉपुलेशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा ये अगर हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट देखें तो इसको शेड्यूल से निकाल के बनाया गया था और 15 अगस्त 2003 में अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट एग्जिस्टेंस में आया था। तो कौन कौन से फैक्ट याद रखोगे आप लोग, एक याद रखना कोटमा किस लिए फेमस है, वेंकट नगर किस लिए फेमस है, चचई थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, महेंद्र और पातालेश्वर टेम्पल कहाँ पे है और किसने बनवाया, दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। जैन रिलीजन का महाकुंभ कहाँ पे लगता है, अमरकंटक में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये तीन फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कपिलधारा और दुग्धधारा कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में जो कि मैंने अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से लिए हैं। ऊपर से लेके यहां तक डेंसिटी तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। चार तहसील हैं, उनके नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कोटमा, पुष्पराजगढ़ और उसके बाद जयठरी और अनूपपुर। ठीक है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब यहां पे इस जगह से कोई एमपी नहीं आता है, यहां पे जो एमपी होता है वो शेड्यूल का ही एमपी अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट को देखता है। उसके अलावा अगली बात की जाए तो यहां पे असेंबली की सीट्स कितनी है, तीन, एक कोटमा है, दूसरा अनूपपुर और तीसरा पुष्पराजगढ़, जिसमें अनूपपुर और पुष्पराजगढ़ ये जो है वो एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व रहती हैं। यहां पे दो लैंग्वेज बोली जाती हैं, बघेली और हिंदी, बघेली और हिंदी ही आपकी शेड्यूल में बोली जाती हैं। नदी अगर बोली जाए तो नर्मदा, सोन और कैवई, ये तीन नदियां निकलती मतलब तीन नदियां यहां से फ्लो करती हैं। कौन कौन सी, नर्मदा, सोन और कैवई। ठीक है, उसके अलावा लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की भी चलो बात कर लेते हैं। तो यहां का इसका जो आपका अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है इसका लेटिट्यूड जो है वो आप ऑन एन एवरेज समझ लो 23 है, 23 डिग्री, और लॉन्गिट्यूड जो है वो 80 है। लॉन्गिट्यूड क्या हो गया, 80, और क्योंकि देखिए यहां पे इससे पहले शेड्यूल आया था तो शेड्यूल का 82 था, इसका इसका हो गया 80 और 23 इसका लैटिट्यूड है। उसके अलावा अगर ट्रेवल डेस्टिनेशन की बात करें तो नर्मदा मंदिर है, माई की बगिया है, सोन मुडा है, फिर है ब्रग कुमंडल, ठीक है, फिर उसके बाद कबीर चबूतरा, ज्वालेश्वर महादेव टेम्पल, कपिलधारा वाटरफॉल, दूधधारा वाटरफॉल, शंभूधारा, दुर्गाधारा और सर्वोदय जैन टेम्पल और उसके बाद गणेश टेम्पल। तो इसमें से जितने भी वाटरफॉल हैं वो तो बहुत अच्छे से याद रखना, उसके अलावा ब्रग की जो केव है उनके बारे में, कबीर चबूतरा याद रखना। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो 2008 में बनवाई गई थी वो इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट तुलसी डिग्री कॉलेज वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं बचा। सो दीज आर दी फैक्ट विच यू नीड टू रिमेंबर। नेशनल हाईवे 78 निकलता है, ये भी याद रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम अनूपपुर के बारे में पिक्चर्स की मदद से याद करेंगे। एशिया की पहली ट्राइबल यूनिवर्सिटी 2008 में अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में बनवाई गई थी। उसके अलावा जैसे कि बताया माई की बगिया, माई का हाथी और माई कबीर चबूतरा, ये तीनों जगह भी अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आती हैं।
उसके अलावा ब्रग ऋषि जो हैं, जो बहुत बड़े लेजेंडरी ऋषि थे, ये भी अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में इनकी केव्स पाई जाती हैं। केव्स यानी गुफाएं, ब्रग ऋषि की जो केव्स हैं, गुफाएं हैं, वो भी अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा इसी के आसपास जलेश्वर टेम्पल, सोनमुड़ा, नवगढ़ टेम्पल, माइकी बगिया, माइका हाथी और आदिनाथ टेम्पल भी यहाँ पे ही है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा नर्मदा उद्गम टेम्पल अमरकंटक में, ये अनूपपुर में जो अमरकंटक है ना, अमरकंटक काफी रिलीजियस प्लेस है, तो उसकी लोकेशंस बता रहा हूं मैं। अमरकंटक में क्या क्या है? नर्मदा उद्गम टेम्पल, एंशियंट टेम्पल ऑफ कालचुरीज, कपिल धारा, श्री यंत्र मंदिर, श्री यंत्र मंदिर, सोन उद्गम टेम्पल, उसके अलावा श्री सर्वोदय दिगंबर जैन टेम्पल। तो दिगंबर जैन टेम्पल तो यहीं पे क्या होता है, महाकुंभ भी होता है इनका, इस तरीके से याद रख लेना। दूधधारा वाटरफॉल, ठीक है, तो ये अमरकंटक में है। फिर है यहाँ पे अमरेश्वर महादेव टेम्पल है, ब्रह्म मंडल है, मतलब गुफाएं ब्रह्म ऋषि की। मृत्युंजय आश्रम है अमरकंटक में, मृत्युंजय आश्रम, कबीर चबूतरा है, दुर्गा धारा है, जलेश्वर है, दूध धारा है, कपिल धारा है, तो ये सारी अमरकंटक में ही है। ठीक है, ज्वालेश्वर टेम्पल, ये सारी चीजें प्लीज अच्छे से याद कर लेना, एक बार फिर से देख लो अगर आपको नहीं याद हुए हैं, अच्छे से याद करो, पॉज करो वीडियो को और एक बार गो थ्रू कर लो। तो इसी के साथ हमारा अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट समाप्त होता है। अब बात करते हैं तीसरी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, दैट इज उमरिया। ठीक है, उमरिया जो डिस्ट्रिक्ट है वो नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है एमपी की। देखो ये अगर हमारे कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं तो ये आपका नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट, तो कहां पे पड़ रही है? नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है। अगर हम इसके लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो आप इसका जो लेटिट्यूड है वो लगभग 23.5 समझ लो, ठीक है, 23.5 जो है इसका लेटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 81 के आसपास, 80 से 82 तक फैला हुआ है, तो 81 आप याद कर लो। ठीक है, तो 80 और 23 के आसपास ही आते हैं हमारे सारे शेड्यूल डिवीजन की चीजें। इज दैट क्लियर? टोटल जोग्राफिकल एरिया इस डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें कितना है, तो 4,548 स्क्वायर किलोमीटर, और पॉपुलेशन 5 लाख के आसपास है। उमरिया में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट रिसोर्सेस और मिनरल्स पाए जाते हैं। कोल माइल जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट का रेवेन्यू जनरेशन का मेन स्रोत है। उसके अलावा उमरिया जो है वो टूरिस्ट के लिए काफी अच्छी, मतलब बहुत ही लाइक करने वाली जगह है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बंधवगढ़ नेशनल पार्क। तो बंधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे आता है? उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, प्लीज डू रिमेम्बर इट, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका बंधवगढ़ नेशनल पार्क। क्लियर? अच्छा, डिवीजन शेड्यूल कब बनाया गया था? 1998 में बनाया गया था उमरिया शेड्यूल से निकाल के। ठीक है, तो ये देख रहे हो, ये रहा आपका शेड्यूल और यहाँ पे ये उमरिया रहा, और इधर हम अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं हमारा ये देखा था हम लोगों ने अनूपपुर। ठीक है, तो शेड्यूल से निकाल के 1998 में बनाया गया था। उसके अलावा पॉपुलेशन 6 लाख, 6.5 लाख के आसपास, और एरिया 4,500 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। डेंसिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। टोटल 4 तहसील हैं जिनके नाम है मापू, बंधवगढ़, पाली और चंडिया। ठीक है, तो चंडिया, पाली, बंधवगढ़ और मापू, तो ये 4 जो हैं वो तहसील हैं, अच्छे से याद कर लो। ठीक है, उसके अलावा अगर लिटरेसी और सेक्स रेशियो की बात करें तो दैट इज अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। नेशनल हाईवे 78 जो है वो यहाँ से ही पास होता है, नेशनल हाईवे 78। उसके अलावा और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको यहां पे देखने को दिखे तो क्या है? नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन दिस। ठीक है, तो प्लीज ये हो गया इसका हमारे उमरिया डिस्ट्रिक्ट का मैप। अब बात करते हैं उमरिया के माइंड मैप के बारे में। तो जैसा कि बताया 1998 में शेड्यूल से काट के उमरिया बनाया गया था। इकोनॉमी के फैक्ट की बात करें तो हरा जो है वो बिहाला से बनाया जाता है, बिहाला। गवर्नमेंट लख फैक्ट्री, लक फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, चूड़ियां बनाने वाली जो फैक्ट्री है ना गवर्नमेंट की, वो भी कहां पे है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। पानपत कोल एरिया, वो कहां पे है, उमरिया में। पानपत कोल एरिया काफी फेमस कोल एरिया है, और पानपत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। पानपत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बंधवगढ़ के अंदर एक छोटी सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों ही चीजें उमरिया में ही आती हैं। जोहिला कोल वैली, ये कहां पे है, उमरिया में है। तो ये इकोनॉमी के फैक्ट हो गए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो गवर्नमेंट लक फैक्ट्री ही है और पनपत कोल एरिया है सॉरी, और जोहिला कोल वैली भी याद कर लेना, ये 3 फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गए। अब आगे चलते हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उमरिया को शेड्यूल से निकाल के बनाया गया था। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो बघेल डायनेस्टी के जो किंग हुआ करते थे विक्रमादित्य, उन्होंने बंधवगढ़ फोर्ट बनवाया था 14वीं सेंचुरी में। तो हिस्टोरिकली देखो कितने सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं कि बंधवगढ़ फोर्ट किसने बनवाया था, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य बघेल डायनेस्टी के किंग थे। या बंधवगढ़ फोर्ट किस डायनेस्टी से एसोसिएटेड है, बघेल डायनेस्टी से। बंधवगढ़ फोर्ट किस सेंचुरी में बनवाया गया था, 14वीं सेंचुरी में। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहां पे एक तालाब प्री हिस्टोरिक स्पॉट है, प्री हिस्टोरिक मतलब जिसकी हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो
जो स्पॉट है वो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। शेरशाही लेक, शेरशाही लेक और विष्णु टेम्पल जो बंधवगढ़ फोर्ट के अंदर है वो भी उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बंधवगढ़ नेशनल पार्क, ज्योग्राफिकली पॉपुलेशन एंड एरियाज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट और तहसील इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट विच यू नीड टू रिमेंबर दैट गवर्नमेंट लेक फैक्ट्री इज इन उमरिया, पनपत कोल एरिया इज इन उमरिया एंड जोहेला कोल वैली इज इन उमरिया। उसके अलावा हिस्टोरिकली दैट बंधवगढ़ फोर्ट विच वॉज बिल्ट बाय बघेल डायनेस्टी इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन उमरिया डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज तला प्री हिस्टोरिक स्पॉट इज ऑल्सो इन उमरिया। Geographically, if we see, then Bandhavgarh National Park is the most important fact which you need to remember and which is associated to the Umaria district. Is that clear to everyone? चलो आप ये अच्छे से याद कर लो। Now let's move on to the next page. यहाँ पे जो मैंने डेटा लिया है that is again taken from the Umaria district. So starting से लेके इतना डेटा तो direct skip कर दो, but जो भी interested है they can go through it. Now तहसील की बात करें, so Bandhavgarh, चंडिया, नवराजाबाद एंड दैट इज मानपुर, ठीक है। तो तहसील्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। नाउ टॉकिंग ऑफ द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, अगेन जो उमरिया है वहां से कोई डेडिकेटेड एमपी नहीं होता है, शेड्यूल का जो एमपी होता है वही शेड्यूल को देखता है, वही उमरिया को देखता है और वही अनूपपुर को देखता है। इज दैट क्लियर? यहां पे अगर हम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, मतलब एमएलए सीट्स की बात करें, तो दो एमएलए की सीट होती है, एक है बंधवगढ़ विच इज रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब एंड सेकेंड इज मानपुर, मानपुर, ठीक है। तो ये दो जगह हैं, मानपुरा ये रहा, ठीक है, मानपुरा ये रहा और बंधवगढ़, तो ये दो जगह हैं जो कि जहां से आपके एमएलए बिलोंग करते हैं, ठीक है, इस पूरे उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। चलो अब इसके बाद अगला फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, ऑब्वियस ही बात है बघेली एंड हिंदी। रिवर्स की बात करें तो सोन और जोहेला, अब यार आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था जोहेला कोल वैली है यहां पे, तो जोहेला नदी तो होगी होगी, और टेक्निकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो थोड़ी देर पहले ही बताया 23.6 यानी 23.5 नॉर्थ और 81 ईस्ट के आसपास इसकी लोकेशन है। ट्रेवल डेस्टिनेशन बंधवगढ़ नेशनल पार्क, नो डाउट एट ऑल। बंधवगढ़ फोर्ट जो कि बघेल डायनेस्टी के विक्रमादित्य ने बनवाया था। चंडिया खास, पाली, बट्स बीर सिंहपुर, उमरिया टाउन। उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर बात करें तो रन विजय प्रताप सिंह गवर्नमेंट कॉलेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इज दैट क्लियर? तो ये सारी दोस्तों इंफॉर्मेशन है। और हां नेशनल हाईवे की अगर बात करें तो 78 यहां से गुजरता है। अब हम बात करते हैं उमरिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में पिक्चर्स की मदद से। तो बंधवगढ़ टाइगर नेशनल पार्क। अच्छा चलिए बताइए एमपी में जो व्हाइट टाइगर्स होते हैं, व्हाइट टाइगर सफेद टाइगर्स, वो किस नेशनल पार्क से बिलोंग करते हैं, ये आपको मुझे बताना है। एमपी में व्हाइट टाइगर्स पाए जाते हैं किस नेशनल पार्क में? बंधवगढ़ जो फोर्ट है बघेल डायनेस्टी के विक्रमादित्य ने 14वीं सेंचुरी में बनवाया था, ये रहा बघेल फोर्ट का फोटो। उसके अलावा बंधवगढ़ एंशियंट केव्स हैं जो कि बंधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर सिचुएटेड है, आप यहां पे देख सकते हैं। पनपत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मैंने बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, ये बंधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर ही है। इज दैट क्लियर? बघेल म्यूजियम, टॉकिंग ऑफ बघेल म्यूजियम, अगेन आपको पता है ये फोर्ट के ही अंदर होगी बघेल म्यूजियम, क्योंकि उसको बघेल डायनेस्टी ने ही बनवाया था। पनपत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अच्छा इट इज ऑलरेडी कवर्ड, सो नो डाउट। इज दैट क्लियर? तो ये सारे फैक्ट आपको मैंने पिक्चर की मदद से उमरिया डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं दैट एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव एंजॉयड एज वेल एज लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस लेक्चर। इफ दैट इज द केस देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज सो दैट दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस इनिशिएटिव एंड लेक्चर। दोस्तों कोई क्वेरी आती है तो डोंट फॉरगेट टू आस्क मी बाय मेलिंग ऑन टू दिस ईमेल आईडी straight01990@gmail.com और यू कैन कॉल मी एट दिस नंबर। दोस्तों हमेशा की तरह आपको एडवाइस देना चाहूंगा दैट प्लीज आप मॉक टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन करते रहिए। जो भी लोग प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस चाहते हैं प्लीज डू नॉट हेजिटेट, प्लीज ज्वाइन द ग्रुप, इट इज नॉट टू लेट। आप अगर सारे वीडियोस को दो दो चार चार बार देख लेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपका अच्छे से कवर भी हो जाएगा। सो प्लीज एंड प्लीज इफ यू वॉन्ट टू बाय प्राइवेट वीडियोज यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन आइदर ऑफ द नंबर, आइदर ऑन दिस नंबर और यू कैन कॉल मी ऑन टू दिस नंबर। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो पेशेंटली, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, दस बिदानिया, बाय बाय। Yeah.